हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास सेवंथ चैप्टर परसेंटेज। क्लास सेवंथ का परसेंटेज के चैप्टर की हम पहले ही एक दो वीडियो बना चुके हैं। अब हम सीखेंगे व्हाट परसेंट ऑफ 12 किलोमीटर इज 1.5 किलोमीटर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो यूनिट है दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपको इसको सेम करना पड़ेगा। अब हमें व्हाट परसेंट ऑफ 12 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर कितने परसेंट है, हमें क्या निकालना है कि 12 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर कितने परसेंट है, यानी कि हमें जो आंसर देना है वो परसेंटेज में देना है। अब आंसर हमें परसेंटेज में देना है तो बच्चों हमें पता है कि मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। अब कौन कितना परसेंट है, 1.5 किलोमीटर है ना, 1.5 मल्टीप्लाई 100 और बाय में क्या आएगा, किसका 12 किलोमीटर का, बाय में क्या आएगा 12 किलोमीटर का। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के नाम की एक जीरो नीचे आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, 10 3 5 15 and 3 4 12। ठीक है, 2 2 4 2 5 10, 5 5 25 by 2%, क्या आ गया हमारा 25 by 2%। इसको सोल्व करेंगे तो 12.5% हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस बेटा इसी तरीके से हैं, सिर्फ आपको क्या करना है जो यूनिट है वो दोनों जगह इक्वल रखनी है। जैसे कि यहाँ है 2 रुपीज 25 पैसे, ₹2 is 25 पैसे। अब हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज इज 25 पैसे, 25 जो पैसे हैं वो 2 रुपीज का कितने परसेंट है। अब देखिए यहाँ रुपीज है और यहाँ पैसे, तो सबसे पहले हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 2 रुपीज कितने हो जाएंगे बच्चों, 200 पैसे। 2 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 200 पैसे। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा 200 पैसे इज 25 पैसे, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताना है व्हाट परसेंट ऑफ 200 पैसे इज 25 पैसे, तो 25 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर देना है और बाय में हमेशा टोटल लिखते हैं। ठीक है, किसका, 200 का, तो बाय में क्या आ जाएगा, 200 20 से 20, 25 by 2%, कितना आ जाएगा, 25 by 2, यानी कि 12.5%, यही हमारा वापस से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हमें सेकंड करना है, 5% मोर देन 70, क्या निकालना है हमें, 5% मोर देन 70, यानी कि 70 का 5% ज्यादा कितना होगा, 70 का 5% ज्यादा कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम 70 का 5% निकालेंगे, परसेंट तो हमें दे रखा है, तो परसेंट कहाँ आएगा बच्चों, बाय में, क्योंकि परसेंटेज को हम हटाएंगे। क्लियर है, 10 से 10, 75 35 by 10, तो कितना हो गया, 3.5, कितना हो गया, 3.5। अब मोर देन पूछा ना 5%, तो 5% हमारा पैसे नॉर्मल में कितना आ गया, 3.5, और 3.5 मोर देन 70, तो क्या कर देंगे, 70 प्लस 3.5, तो कितना हो जाएगा, 73.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेस देन पूछा जाए, 3% लेस देन 50, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 50 का सबसे पहले 3% निकालेंगे। ठीक है, 50 का 3% निकाल लिया, 3 5 15 by 10, यानी कि 1.5। अब 50 में हम लेस देन पूछा था ना, तो 1.5 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 48.5% कितना आ जाएगा, लेस वाले में हम लेस कर देंगे और प्लस वाले मोर देन वाले में हम प्लस कर देंगे। सिर्फ यही आपको करना है, और अगर सारे के सारे बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड आपको आप हमारी वीडियो कम्प्लीटली देखते हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता रही हूँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये जो यूनिट्स हैं ये सारी की सारी पहले इक्वल करनी पड़ेंगी, डेज एंड हावर। तो आप डेज को यहाँ 4 डेज को पहले आवर में कन्वर्ट करोगे और फिर आप इस क्वेश्चन को करोगे। यहाँ मीटर और सेंटीमीटर, तो यहाँ इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, आपके इजिली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।